महक। विकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महक का विकी महक अरे क्या हो सारे के सारे कहा थे तुम रेस्टोरेंट पहुंचा तुम्हारा पता चला कि तुमने रेस्टोरेंट बेच दिया। किससे पूछ के बेचा तुमने? हाँ मैं बताती हूँ। ये मेरा घर है मैं भी देखता हूं मुझे कौन बाहर निकालता है यहां से। मैं निकालूंगा। तुम्हारा सपना वापस दिलाने के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा ना मैं करूंगी। और जब सब सही हो जाएगा ना तुम चाहो तो मुझसे कभी बात भी मत करना मेरी शक्ल भी मत देखना। पर इस वक्त प्लीज मेरे साथ चलो। करोड़पति से रोड़पति हो गए इससे शादी करके अपने ससुराल को बेच के खा गई। उससे भाग कर जिस घर में छुपने आए है ना ये आपके समधियों का नहीं है ये मेरी प्यारी माँ का है। तो वही कागज है जो मैंने वो प्रॉपर्टी डीलर खुराना को दिए थे। और खुराना ने पेपर मुझे दे दिए। चलो निकलो यहाँ से। कैसे हो मिस्टर खन्ना? सोचा तो था कल सुबह तुम्हारी जिंदगी हराम करूंगी लेकिन तुमने मेरा इतना मूड खराब कर दिया कि मैं अभी तुम्हारी नींद हराम करने चला आया। मार खा के मानेगा क्या तू? आता पाई करने की कोशिश मत करना खन्ना साहब वरना बेल तक नहीं हो पाएगी। ये लो पहला झटका खाओ। ओए माथुर ये क्या तमाशा लगा रखा है तोके पास? अंकल जी तमाशा नहीं तबाही बोलिए तबाही। आप उससे भाग कर जिस घर में छुपने आए है ना ये आपके समधियों का नहीं है ये मेरी प्यारी माँ का है। आओ जी आओ। लो जी आ जाओ। तो भाई साहब क्यों फिक्र करते हैं कल आपकी छत और बिस्तर दोनों का इंतजाम कर देंगे यहाँ पे सस्ते किराए के मकान मिल जाते हैं। लो जी शीतल
सुबह सुबह क्या हुआ, बोल। बोल तो सारा मोहल्ला रहा है, अपनी ही बेटी को सड़क पे ले आई है तू। क्या बक रही है, सुबह सुबह पी के आई है क्या? पीने तो शायद तू लगी है, इसलिए तेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। तेरी सहेली पम्मी ने बलवंत शर्मा का घर धोखे से हत्या के ना सोनल और उसके परिवार को रोड पे ले आई है। तूने अपनी ही बेटी की जिंदगी नरक कर दी है शीतल। शर्मा परिवार पर लोग तरस खा रहे हैं, पम्मी की तो बुराई कर रहे हैं लोग, लेकिन तेरे नाम की तो थू-थू हो रही है। और बेचारे सोनल की हालत देख के तो मुझे आंसू आ रहे थे। ठीक है ठीक है, ज्यादा नमक मसाला लगाने की जरूरत नहीं है। सोनल मेरी बेटी है, मैं उसे संभालूंगी, उसके घर को भी संभालूंगी। तू जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। भाई जल्दी निकल आओ। ओए कसम देसी घी की बड़ी तेज आई है। मेरा नंबर है। अरे हाँ भाई साहब, आप ही का है। ये टूटा फूटा लकड़ी का डब्बा, इसे तुम बाथरूम कहते हो? ओ महाराज, और कैसा होता है बाथरूम? आपने कौन सा अंदर सारा दिन बैठना है? कसम देसी घी की, पेट साफ करके बाहर आ जाइएगा। एक हाथ से तो नाक बंद करूंगा, दूसरे से पजामा पकड़ूंगा, पेट साफ करने के लिए दरवाजा क्या दांतों से बंद करूंगा। क्या हुआ दादाजी, चाय अच्छी नहीं बनी? चाय तो ठीक है, तुम दोनों की बातों ने ना मेरे मुंह का स्वाद खराब करके रख दिया है। क्या ठीक हो जाएगा है? बताओ। वो तकदीर से लड़कर तुम दोनों एक हो गए, पर ऊपर वाले ने नाराज होकर ना हम सब की तकदीर बदल दी। तुम्हारे प्यार ने परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक होने वाला। पिताजी सोच समझ के बोलो। पर बापू तेरा जबान संभाल कर बात किया कर मेरे साथ। और सोचा था आखिरी सांस अपने घर में जाकर लूंगा और चला जाऊंगा अपने बेटे और बहू के पास, लेकिन तुम लोगों ने मेरा घर भी छीन लिया और मेरी अंतिम इच्छा भी। बलवंत, तुम्हारे से पहले तो मैंने ऊपर जाना। अरे तू अकेला थोड़ी, हम सब बेघर हुए हैं। तू कुछ मदद कर सकता है तो कर, इस तरह बकवास मत कर। हाय रब्बा, अरे ये क्या हाल बना रखा है मेरी बच्ची का। अरे तुम लोगों को मेरी हाय लगेगी। अरे खुद तो बंजारे बने हुए हो और मेरी सोना को इस हालत में दर दर भटका रहे हो। सुन पुत्र, तू मेरे साथ चल, अभी तेरी माँ जिंदा है, चल। चलो हटो, अभी नहीं, मुझे काम पर जाना है। काम पर? रतन चाचा की ढाबे पे जा रही हूँ। लेकिन क्यों? हाँ क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो जाऊँ? तुम्हें लगता है कि मैं अपने दम पर पैसे नहीं ला पाऊंगा? मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। ठीक है, जो करना ना वो करो। अरे मैंने ये तय किया है कि जन्माष्टमी के दिन डांस कंपटीशन होगा। जब किसी को कुछ सिखाओ तो ऐसे सिखाओ कि वो जिंदगी भर याद रखे। तुम्हारी ये उदासी, तुम्हारी ये चिंता मैं समझ सकती हूँ। बाज ने मुझे बताया उस चिट्ठी के बारे में, सदाशिव के बारे में। सेठ जी जितनी मोहब्बत अपने परिवार से करती है ना, उसे कई गुना ज्यादा नफरत वो देवसु के दुश्मनों से करती है। बनाने तो प्रगति को वहीनी साहब के दिल में जगह, लेकिन जब वहीनी साहब को पता चलेगा कि नागेश की बेटी प्रगति है तो क्या करेगी वो? मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ, आबादी ने क्या बताया? मुझे बताओ। I won't, because I don't believe you guys. अब तुम मुझे बताओगी कि मैं अपनी बहन के साथ, how dare you? तुम रहने दो, उनके जो भी इश्यूज हैं
मैं खुद संभालूंगा। क्या संभालूंगी और कब तक? तुम तो जाने वाले हो ना। अब मैं इस घर की मालकिन हूं। आज के बाद सुप्रिया की फैमिली का कोई भी मेंबर व्यास मैंशन में नहीं दिखाई देगा। भाभी, सच में समझ में नहीं आ रहा या फिर शर्मा कर ना समझने का बहाना ढूंढ रही है? क्या नहीं समझने का बहाना ढूंढ रहे? क्या आज हमारी शादी की पहली रात है? आदि कहाँ है? आदि